यहूदी धर्म के लोगों को एक श्राप मिला हुआ है कि कयामत के समय तक उन्हें धरती पर सताया जाएगा और उनका उत्पीड़न किया जाएगा। अगर इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो आज तक जितना कुछ यहूदी लोगों ने सहा है, यहूदियों के साथ जितनी बर्बरता और अत्याचार किए गए हैं, उतना बुरा बर्ताव अन्य किसी धर्म के लोगों के साथ कभी नहीं किया गया। लेकिन आखिर क्या वजह है कि यहूदी लोगों को हमेशा से ही प्रोसिक्यूट किया जाता रहा है? यहूदियों का इतिहास क्या है? यहूदी लोग किस भगवान को मानते हैं और वे कहां जाकर पूजा करते हैं? और यहूदी धर्म का इस्लाम और ईसाई धर्म के साथ आखिर क्या वास्ता है? इन सब के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इतना सब कुछ सहने के बाद भी आज यहूदियों का देश इसराइल इतना ताकतवर और समृद्ध कैसे है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहे। यहूदी धर्म का इतिहास आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पुराना माना जाता है। उस समय यहूदी समुदाय के लोग यहोवा देवता की पूजा किया करते थे, जिन्हें यहोवा भी कहा जाता है। लेकिन इस धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हजरत इब्राहिम के दौर में यहूदी धर्म सबसे पहले अस्तित्व में आया था। इब्राहिम के बारे में बाइबल और कुरान में भी जिक्र मिलता है। बाइबल में इब्राहिम को अब्राहम कहकर संबोधित किया गया है, तो वहीं इस्लाम धर्म के अनुसार हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी यानी पैगंबर थे। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक था और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम की तो बहुत सी कहानियां इस्लाम धर्म में प्रचलित हैं। हजरत इब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब था और याकूब का दूसरा नाम इसराइल था। साथ ही कुछ लोग याकूब को यहूदा भी कहते हैं और उन्हीं के नाम पर ही यहूदी धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। ये बात लगभग 2000 ईसा पूर्व के समय की है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के समय यरूशलम के किंग डेविड के बेटे सोलोमन ने यहूदियों के लिए पहला पवित्र स्थान या मंदिर का निर्माण किया था। किंग डेविड को किंग दाऊद और उनके बेटे को सुलेमान भी कहा जाता है। वे यहूदियों के एक बड़े लीडर हुआ करते थे और तब से लेकर आज तक यरूशलम यहूदी धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। न सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म के लोगों के बीच भी इस जगह का विशेष महत्व है। इस्लामिक लोगों का कहना है कि उनके अंतिम पैगंबर हजरत पैगंबर मोहम्मद इसी स्थान से जन्नत में गए थे, और ईसाई धर्म के लोगों का कहना है कि ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था। पैगंबर मोहम्मद को लेकर यहूदी और इस्लामिक धर्म के लोगों के बीच विवाद है। इस्लाम धर्म के अनुसार पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के अंतिम नबी या पैगंबर थे। वहीं यहूदी पैगंबर मोहम्मद को मानते तो हैं, लेकिन उनका मानना है कि वे अंतिम पैगंबर नहीं थे। अंतिम मसीहा का जन्म अभी तक धरती पर हुआ ही नहीं है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि यहूदी धर्म के लोगों को श्राप मिला हुआ है कि जब तक धरती पर जीवन है उनका उत्पीड़न किया जाता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहूदी धर्म के लोगों ने यीशु को अपना मसीहा मानने से इनकार कर दिया था। यहूदियों ने यीशु की शिक्षाओं को गलत बताया और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन में भी यहूदी लोगों ने साथ दिया था। और यही वजह है कि ईसाई धर्म के लोग यहूदियों को गुनाहगार मानते हैं और उनको दुश्मन की नजरों से देखते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो यहूदियों ने इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों को ही एक सिरे से नकार दिया था, और इसी कारण से उन्हें श्राप मिला था कि वे कयामत के समय तक पीड़ित बने रहें। इतिहास के पन्ने खंगालने पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस श्राप का असर यहूदियों पर देखने को भी मिलता है। सबसे पहले 931 बीसी में यहूदी धर्म के लोग 2 समुदाय में बट गए। एक था इसराइल और दूसरा था जुदा। सन 587 बीसी में बेबीलोनियन ने यरूशलम में बने यहूदियों के पवित्र मंदिर को तुड़वा दिया था। 516 बीसी में एक नया मंदिर यहां पर फिर से बनाया गया। यहूदी धर्म के लोगों को कभी भी किसी एक स्थान पर चैन से नहीं रहने दिया गया। इनके विस्थापन की शुरुआत हेलेनिस्टिक पीरियड से शुरू हो जाती है। इसके बाद जब रोमन एम्पायर ने इसराइल में राज किया तो उन्होंने भी यहूदियों पर जुल्म ढालने शुरू कर दिए। बाइजेंटिन पीरियड के दौरान भी यहूदी एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करते रहे। पैगंबर मोहम्मद के बाद सन 632 ईस्वी में इस्लामिक धर्म की आधिकारिक शुरुआत होती है, और उसके बाद
कुछ सदी तक यहूदियों को अत्याचार थोड़े कम सहने पड़े। यहूदियों ने शुरुआत से ही शिक्षा पर अधिक महत्व दिया है। उनका मानना है कि शिक्षा के दम पर वे हर मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस्लामिक एरा खत्म होने के बाद 1099 से 1260 तक क्रूसेडर्स पीरियड की शुरुआत होती है और इस पीरियड में भी यहूदियों पर अत्याचार किए गए। ऐसा ही कुछ मैमलुक पीरियड और ऑटोमन एम्पायर के दौरान भी देखने को मिला। 18वीं शताब्दी के दौरान यहूदियों ने पोलैंड में शरण ली और उन्हें लगा था कि यहाँ पर वे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेंगे, लेकिन पोलैंड में बंटवारे के बाद उन्हें ये देश भी छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद कुछ यहूदियों ने अमेरिका में शरण ली तो कुछ रूस चले गए। 20वीं शताब्दी में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिशियर्स ने यहूदियों से कहा कि वे उनकी मदद करें और बदले में उन्हें रहने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रोवाइड कराई जाएगी। यहूदी लोग शुरुआत से ही काफी समझदार माने जाते रहे हैं। उनका दिमाग अन्य सभी लोगों से तेज था और इसलिए हर कोई उनका समर्थन प्राप्त करना चाहता था। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद यहूदियों को रहने के लिए इसराइल देश दिया गया, लेकिन इसराइल और फिलिस्तान को लेकर विवाद आज तक जारी है। इसराइल देश और यहूदी लोग यरूशलम को अपनी राजधानी मानते हैं, लेकिन अन्य देश इसराइल की इस बात को स्वीकार नहीं करते और वे तेल अवीव को ही इसराइल के आधिकारिक राजधानी के रूप में स्वीकार करते हैं। एक समय था जब भारत में भी यहूदियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लगभग 2500 साल पहले दक्षिणी भारत के कोचीन शहर में पहली बार यहूदियों ने भारत में कदम रखा था। 20वीं शताब्दी में भारत में यहूदियों की संख्या 70,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन आज भारत में केवल 5,000 यहूदी ही रहते हैं और इनमें से आधिकारिक यहूदी मुंबई में रहते हैं। पर्सिक्यूशन ऑफ ज्यूस। सन 1066 में ग्रनाडा मैसेकर हुआ था, जिसमें ग्रनाडा के रॉयल पैलेस में मुस्लिमों की भीड़ घुसकर 1000 से अधिक यहूदी परिवार को जान से मार देती है। फर्स्ट क्रूसेड पीरियड के दौरान भी बड़ी संख्या में यहूदियों को मारा गया और हजारों की संख्या में यहूदियों ने अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म कबूल कर लिया था, या यूं कह लीजिए कि उन्हें ऐसा करने के लिए फोर्स किया गया था। सन 1942 में स्पेनिश एक्सपल्शन होता है। इस दौरान स्पेन के रूलर्स आदेश जारी कर देते हैं कि सभी यहूदियों को क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाना पड़ेगा और जो ऐसा करने से इनकार करता है उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाए या फिर मार दिया जाए। लगभग 200,000 यहूदियों को स्पेन छोड़कर जाना पड़ा था और 10,000 से अधिक यहूदियों को मार दिया गया था। इसके बाद भी समय समय पर यहूदियों के साथ अत्याचार होते रहे, लेकिन सबसे बड़ा और घिनौना काम एडोल्फ हिटलर ने किया था। हिटलर का मानना था कि यहूदियों के कारण ही पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। हिटलर ने 60,00,000 से अधिक यहूदियों को मरवाया था और इस घटना को आज दुनिया ज्यूस हॉलोकॉस्ट के नाम से जानती है। ये घटना इतनी भयावह है कि इसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिटलर ने जगह जगह गैस चैम्बर बनवा रखे थे। यहाँ पर पूरे यूरोप के यहूदियों को पकड़ कर लाया जाता था और हजारों यहूदियों को एक साथ उस गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था। चैम्बर को बंद करके उसके अंदर जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, जिसके कुछ ही मिनटों बाद लोगों की मौत हो जाती थी। यहूदी धर्म हमेशा से ही अपने धर्म को लेकर काफी संवेदनशील रहे हैं। आज भी ये मिसाल दी जाती है कि यहूदी लोग अपना धर्म परिवर्तन करने की बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझेंगे। यहूदियों के मंदिर को सिनेगोगस कहा जाता है और इनके पवित्र पुस्तक को तनाख यानी तोरात के नाम से जाना जाता है। यरूशलम यहूदियों की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ पर मौजूद वेस्टर्न वॉल के दीदार के लिए दुनिया भर के यहूदी लोग यरूशलम आते हैं। इस दीवार के सामने वे फूट फूट कर रोते हैं। यहूदी धर्म में मूर्ति पूजा की सख्त मनाही है। इस्लाम धर्म की तरह ही यहूदियों में भी खतना कराने की परंपरा है। ये लोग दिन में 3 बार इबादत यानी प्रेयर करते हैं और इस दौरान इनका चेहरा यरूशलम शहर की तरफ ही रहता है। यहूदी हमेशा से केवल एक ही ईश्वर पर विश्वास रखते आए हैं। यहूदियों के कारण ही आज इसराइल दुनिया के विकसित देशों की सूची में शुमार है। यहूदियों की समझदारी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में यहूदियों की जनसंख्या 14.6 मिलियन के आसपास है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का केवल 0.2% है। लेकिन इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद 21% नोबेल पुरस्कार यहूदियों ने अपने नाम किए हैं।
अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जो यहूदी थे और विज्ञान के क्षेत्र में कई आधुनिक आविष्कार किए और आज भी कर रहे हैं। इसराइल जैसे छोटे से देश ने सन 1967 में 6 दिन के भीतर ही मिस्र, जॉर्डन और सीरिया जैसे बड़े देशों को धूल चटा कर रख दी थी। इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था यहूदियों का पूरा इतिहास। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ।